नमस्कार दोस्तों, मैदान से हारा व्यक्ति तो एक बार फिर जीत सकता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के बीच का समय कैसा रहेगा, साथ ही साथ आपको बताएं कि 8 जनवरी से 14 जनवरी के अंदर आपको किन किन चीजों से सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन 7 दिनों के अंदर वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपका 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इन 7 दिनों का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों को नजरिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीक हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफी उम्र दराज के हो चुके हैं। ऐसे में यह सोचकर आप अपना मूड खराब करने के बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और आप इस बात को ना भूलें कि आप अपने रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपने पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही साथ आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह राहु आपके प्रथम भाव में और सूर्य आपके 8वें भाव में स्थिर है, इसलिए भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूह का व्यवहार ना करें। खासतौर से अपने से बड़ों के साथ मर्यादित आचरण रखना ही आपके लिए ऐसा अच्छा रहेगा, अन्यथा ऐसा ना करना पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपको ही सबसे अधिक मानसिक तनाव की अनुभूति होगी। इस सप्ताह कैरियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद रहेगी, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। अकेलेपन का एहसास बहुत अकड़ता है और यही एहसास कई छात्रों को जकड़ने की कोशिश कर सकता है, खासतौर से वे छात्र जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इसे खुद पर काबू ना होने दें। साथ ही साथ आपको बताएं कि बाहर जाकर आप अपने कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। साथ ही साथ दोस्तों, आप नित प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, कैरियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको थोड़ा मिला जुला हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि खास तौर से सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, जिससे आपको कार्य स्तर पर कुछ अभूतपूर्व स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। इससे आपके कुछ मानसिक तनाव और चिंता में वृद्धि होगी। आप बीच बीच में अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी तो महसूस कर सकते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र पर आपको अपना प्रदर्शन देने में बाधा महसूस होगी। इस अवधि के दौरान आकांक्षा है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों और सहकर्मियों के साथ कुछ वाद विवाद या झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य बनाते हुए रखें और अपने आप को शांत रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बिल्कुल अनुकूल रहेगी और आप प्यार के नया में प्रेमी संग सफर आनंद लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपका प्रेम जीवन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इस समय में आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नज़रों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसीलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिएं और जीवन साथी को भी समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपनी बाड़ी पर कंट्रोल करें, नहीं तो इसके कारण परिवार के वातावरण में कुछ अशांति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि प्रेम संबंधों में इस सप्ताह प्यार और रोमांस की वृद्धि होगी। कुछ जातक इस दौरान अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।
वहीं वैवाहिक जातकों को भी अपने जीवन साथी से उचित समर्थन और प्रेम मिल सकेगा, लेकिन आप दोनों के बीच अहम का टकराव आपसी मनमुटाव का मुख्य कारण बनेगा, जिससे बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही आर्थिक जीवन के लिहाज से स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपको आसान देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना सेहत से जुड़े कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि मंगल की छठे भाव में उपस्थिति आपको एक स्वस्थ जीवन जीने और खुद को फिट रखने के लिए नए व्यायाम गतिविधि कर सकते हैं और अपने खाने की आदतों को सुधारने की ओर भी आपको प्रेरित करेगी। इसके साथ ही आपको सप्ताह की शुरुआत में तीन ग्रहों मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। इन तीनों ग्रहों का गोचर कुछ हद तक सेहत से जुड़ी समस्या से आपको राहत देने का कार्य करेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको पेट या पेट के नीचे क्षेत्रों से जुड़ी कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने खान पान का आपको ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके।